आर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशंस, कॉन्स्टेलेशंस को हम हिंदी में स्टूडेंट्स कहते हैं नक्षत्र। कॉन्स्टेलेशन का हिंदी में मीनिंग होता है नक्षत्र। कॉन्स्टेलेशंस, इफ यू ऑब्जर्व द स्टार्स इन द क्लियर नाइट स्काई, दे अपीयर टू फॉर्म डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न्स एंड मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर आप रात को तारों को देखते हैं तो आपको लगेगा वो मूव कर रहे हैं, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में नज़र आते हैं, अलग अलग पैटर्न्स में नज़र आते हैं और आपको वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हुए वो नज़र आते हैं। द फॉर्मेशन मे रिजेंबल ह्यूमंस, एनिमल्स और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स। और इनकी जो फॉर्मेशन है, बनावट है, आपको समटाइम किसी एनिमल से, लायन, टाइगर, जिराफ, बियर, इन जैसी नज़र आती है। तो इनकी जो फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम दे देते हैं। और इन जो फॉर्मेशन है इसको हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशंस। दीज द फॉर्मेशंस, इनकी जो फॉर्मेशन है, देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। इन फॉर्मेशंस को ही हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशंस। एंड इन द ग्रुप ऑफ स्टार्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन, इसको हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट उर्सा मेजर, ये हमारे मेन जो है वो कॉन्स्टेलेशंस हैं। उर्सा मेजर, जिसे हम ग्रेट बियर भी कहते हैं, इसकी शेप जो है वो बियर के जैसी नज़र आती है। ग्रेट बियर इज़ अ कॉन्स्टेलेशन ऑफ सेवरल स्टार्स, इसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे कॉन्स्टेलेशंस का एक कॉन्स्टेलेशंस है ग्रेट बियर। उर्सा मेजर इसका सेकेंड नेम है, इसे हम, इसमें बहुत सारे स्टार्स हैं। इट अपीयर्स इन द नदन स्काई, ये हमें नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ नज़र आता है। इन इंडिया द सेवन स्टार्स कॉल्ड सप्तऋषि मंडल, ये जो सप्त, सात तारों का समूह होता है उसे हमारे इंडिया में सप्तऋषि मंडल भी कहा जाता है। सप्तऋषि मंडल के बारे में आपने सुना भी होगा, नॉर्थ पोल, नॉर्थ स्टार की तरफ होता है। और ये ग्रेट बियर का एक छोटा सा हिस्सा है, ग्रेट बियर का एक पार्ट है। देर आर सेवरल अदर फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, इसी तरह से जैसे ये फॉर्मेशन है, दूसरी अदर्स फॉर्मेशन भी है स्टार्स की, विच हैव बीन गिवन नेम्स बाय द एस्ट्रोनॉमर्स, जिसे अलग अलग नाम देते हैं हमारे एस्ट्रोनॉमर्स। द टू ब्राइटेस्ट स्टार्स एट द हेड ऑफ द सप्तऋषि मंडल, सप्तऋषि मंडल का मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, लुक एट दिस स्टूडेंट्स। सप्तऋषि मंडल देखिए, सप्तऋषि मंडल में सात तारे होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सेवन स्टार्स होते हैं। विच हैव बिन गिवन नेम्स, द टू ब्राइटेस्ट स्टार्स एट द हेड ऑफ द सप्तऋषि मंडल कॉल्ड पॉइंटर्स, इसके जो हेड होते हैं, यानी आप ये देखिए या ये देखिए, इनको हम क्या कहते हैं, पॉइंटर्स। पॉइंटर्स बोलते हैं पॉइंट टुवर्ड्स अ स्टेशनरी स्टार कॉल्ड पोल स्टार और ध्रुव तारा। आप ये देखिए, जो पॉइंटर्स हैं, पॉइंटर्स होता है, जैसे अब मैं आपको पेंसिल से इंडिकेट कर रही हूँ, तो पेंसिल क्या है, एक पॉइंटर का काम कर रही है। पॉइंटर, पॉइंटर होता है किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, जिसका हम सहारा लेते हैं, पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज़ को, दैट आर पॉइंटर। द टू ब्राइटेस्ट स्टार्स आर द हेड ऑफ द सप्तऋषि मंडल कॉल्ड पॉइंटर्स, जो इसके हेड, जो ये हेड है सप्तऋषि मंडल का, दो, ये दो बड़े तारे जो होते हैं चमकते हुए, ये क्या होते हैं, ये किसकी तरफ इंडिकेट कर रहे होते हैं, नॉर्थ पोल की तरफ। ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ डायरेक्शन में हमारा पोल स्टार है, ये पोल स्टार यानी ध्रुव तारा भी उसे हम कहते हैं, उसकी तरफ इंडिकेट करते हैं। इसी पोल स्टार के कारण आपको ये बता दूं कि जो नॉर्थ स्टार होता है, पोल स्टार होता है, ये हमारी डायरेक्शंस में भी काफ़ी हेल्प करता है। जब हमारे पास कोई नीडल, जो कंपास होता है, वो नहीं होता, तो डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने में पोल स्टार बहुत महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पोल स्टार इन द नॉर्थ स्काई, पोल स्टार लाइज अबव द नॉर्थ पोल, इट ऑलवेज इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शंस। इंडियंस एंड ग्रीक हैव बीन स्टडिंग द शेप्स एंड पैटर्न्स ऑफ द स्टार्स सिंस एंशियंट टाइम्स, जो हमारे भारतीय हैं और ग्रीक लोग हैं, ग्रीस देश में रहने वाले हैं, उन्होंने बहुत सारे स्टार्स के पैटर्न को स्टडी किया है, शेप्स को। इन मॉडर्न टाइम, और आज के टाइम में, द स्पेस साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर्स यूज पावरफुल एंड लार्ज साइज टेलीस्कोप्स टू स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज़। और आजकल इतने सारे जो हैं नए नए टेलीस्कोप्स हैं, नए नए टेक्निक्स हैं, आ गई हैं, जिसके थ्रू हम, पावरफुल टेक्निक्स आ गई हैं, हम स्टार्स को स्टडी कर सकते हैं और नई नई जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाते हैं वो लोग। सो स्टूडेंट्स, दैट इज, दिस इज़ आर टूडेज टॉपिक। नेक्स्ट, इन आर नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडीज अबाउट आर
सोलर सिस्टम द इवोल्यूशन एंड द अर्थ प्लैनेट प्लैनेट अर्थ एक्सेट्रा टिल देन हैव अ गुड डे.